मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी और फूलों सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही मनोहर सरकार का मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं, प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती की तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही प्राकृतिक खेती करने, उसमें चाहे फूल की खेती हो या फिर फलों और सब्जियों की खेती। पिछले कई वर्षों से नई नई योजना लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा आती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ हो सके। हरियाणा के प्रगतिशील किसान का ये मानना है कि आधुनिक तरीके से खेती करने में उन्हें काफी मुनाफा होता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनका किसानों को लाभ मिलता है और वो किसान के हित में। तो वही बात इसी कड़ी में अगर करनाल की करें तो करनाल के रहने वाले राम विलास एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, जिनकी काबिलियत के चर्चे न केवल प्रदेश बल्कि देश और विदेशों में भी, क्योंकि राम विलास ने घर की छत को मिनी फार्म हाउस में तब्दील कर दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, बेर आदि लगाए गए, जो कि जमीन न होने के बाद भी यहाँ से भारी मुनाफा कमा रहे हैं और एक अच्छी उपज ले रहे हैं। इनका मानना है कि छोटी से छोटी जगह में भी किसान तरक्की कर सकता है। उन्होंने अपनी खेती की जानकारी भी दी। छोटे किसान या बड़े किसान की बात नहीं, बात यह है कि एफर्ट करने की। तो आपने कहा खेतों में करते हैं किसान, मतलब किसान नाम सुनते ही ऐसा आता है कि खेत होंगे, बड़े बड़े खेत होंगे, बड़ा सा जो अपना जो रकबा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि छोटे से छोटे लेवल से किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि जमीन तो मात्र 10% लोगों के पास ही है, बाकी तो छत जो है और बालकनी है वो ऑलमोस्ट हर आदमी के पास। अपने भारत देश में तो छत चाहे 100 गज की हो, 50 गज की हो या 500 गज की हो, है ही है, और वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। तो मैंने यही देखा कि जमीन तो देखो कच्ची है नहीं, इसी इच्छाओं के साथ इंसान दुनिया से चला जाता है कि भाई हमारे पास जगह होती तो मैंने ये कर लिया होता, लेकिन ये नहीं पता कि छत हमारी खाली पड़ी हुई है। तो वे एक ऐसा इंस्पिरेशन में लेकर के आया लोगों के लिए, जिसपे फल, सब्जी, फूल, मेडिसिनल प्लांट सभी कुछ आप छत पे उगा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो इसका एक बेनिफिट है, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है। अगर छत पे पौधे लगाएंगे, घर में एसी पंखा कम चलाना पड़ेगा, छत ठंडी रहेगी। उसका दूसरा बेनिफिट देखिए, खाने को जो है सब्जियां मिल जाएंगी आपको, ताजी ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, अगर आप केमिकल में नहीं करते हैं तो। कब से आपको खेती का जुनून है और फिलहाल कौन कौन से सब्जियां और फल है? सब्जियां फल की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि जमीन के बगैर जैसे आम हो ही नहीं सकता, लीची हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने जो है ग्राफ्टेड प्लांट या एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट हर फल सब्जी छत पे लगा दी। जैसे आपने देखा कि बेर, एप्पल बेर है, वो बेर का पौधा जमीन में ही लगता है, रेगिस्तानी फल उसको मानते हैं, हमने छत के ऊपर उगा दिया, जिसमें 5-7 किलो फल हम अपने यूज के लिए आराम से ले पाते हैं। अमरूद की बात करें, सैकड़ों अमरूद हमने एक ड्रम जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसका हाफ करके उसमें लगा लिया। ड्रैगन फ्रूट जो कि रेयरेस्ट माना जाता है उसको भी हमने उगा लिया। सेब, सेब कहते पहाड़ों में उगेगा, उसको भी हमने यहाँ उगा लिया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप छत पे नहीं कर सकते। हाँ, गर्मियों के दिनों में जो मई जून का महीना है उस टाइम में हीट ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आती है, बाकी ये 10 महीने आप जो मर्जी उगाइए छत पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। खूबसूरत गार्डन भी तैयार किया, और कहां कहां से आपके पास लोग आते हैं देखने के लिए? मेरे पास से अपने देश के लगभग हर स्टेट का कह लें, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग चल के टिकट करा के आते हैं, यहाँ 2-4 दिन रुक के होटल में यहाँ मेरे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं, और किसान भी जुड़ रहे हैं अब।
साथ ही रामविलास बताते हैं कि विदेश के साथ साथ अमेरिका से भी लोग उनसे सीखने के लिए आते हैं और उनसे फल फूल सब्जियों को आधुनिक तरीके से उगाने की तकनीक सीख कर जाते हैं। तो किसान इसलिए जुड़ रहे हैं कि किसान का मतलब ये था कि सिर्फ गेहूं और चावल उगाने का काम हो रहा था, लेकिन एक किसान के पास, छोटा किसान, 1 एकड़ जगह है तो वो उसमें से 3 एकड़ की फसल ले सकता है। एक ऐसे फल के बाग लगा दे जो छोटे से फल देना शुरू कर दे। उनके बीच की जो जगह बची है उसमें हल्दी है, अदरक है, अरबी है और ये मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसियां कई तरह की हैं जिनका हम हर्बल टी में यूज करते हैं, तो वो उगा करके और मल्टी लेयर फार्मिंग करके 3 गुना इनकम कर सकता है। कहां से आपको जुनून मिला और विदेशों तक भी आपकी गूंज है? विदेशों से भी पूछते हैं लोग? बिल्कुल, बाहर से भी आते हैं लोग। अभी अमेरिका से आए हुए थे और अभी 5-7 दिन में फिर एक चक्कर लगने वाला है, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी चैनल पे और वहां से कांटेक्ट करते हैं तो ये देख करके ये होता है कि कब हम अपनी आंखों से देख लें। तो जिनको जुनून है इस चीज का तो वो अमेरिका बैठे हैं, वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं। तो और किसान भाइयों को क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स भी बन सकता है इस तरह का, अगर आप? बिल्कुल, इनकम का सोर्स और परमानेंट इनकम का सोर्स। जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, आमतौर पे क्या होता है देखा गया है कि किसान एक फसल उगाता है, दूसरी फसल के लिए पैसा उठाता है, उधार में उठाता है, क्योंकि उसको खर्चा तो 12 महीने 30 दिन चलाना है, लेकिन फसल जो है 6 महीने में या 3 महीने में 4 महीने में एक बार आएगी। तो ऐसे किसानों के लिए मेरा संदेश ये है कि कुछ फल के पौधे जरूर लगाएं उसमें, जैसे आजकल अमरूद 12 मासी मैंने दिखाया आपको, तो 12 मासी अमरूद में क्या है कि 12 महीने 30 दिन आपको कोई ना कोई जो है 1000 रुपए 500 रुपए पर डे का आपका इनकम या 2000 रुपए का जितना बाग लगाएंगे उस हिसाब से मिलता रहेगा। वो खर्चा आपका घर का है, कहीं से उधार नहीं लेना पड़ेगा। इतने कलर के फ्लावर थे और फ्लावर से भी कहीं ना कहीं इनकम सोर्स? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। फ्लावर से इनकम का सोर्स, आजकल देखो शादी ब्याह का समय चल रहा है, हर जगह फूलों की कीमत है और शादी ब्याह के सीजन में तो खासकर जो 100 रुपए वाला फूल है वो 400 रुपए किलो, या बुके में कह लें जो 500 रुपए वाला बुके है जो 1000-1500 तक पहुंच जाता है। तो ये भी फूल जो देख रहे हैं आप, तरह तरह के बहुत ही अच्छे फूल हैं और उगा करके इनकी भी सेल कर सकता है इंसान, एक इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है ये। कितनी जगह में आपने छत पे की है गार्डनिंग? छत पे गार्डनिंग तो मेरी 300-350 गज के अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास। कब से कर रहे हैं सर? लगभग मेरे को हो गए इसमें 25 साल, लेकिन पहले शौकिया करता था और आज की डेट में ऐसा है कि जो इनकम का कह लो आजीविका का साधन जो है आज यही है, और बाकी ये खाद बीज पौध सब पूरा ऑल ओवर इंडिया हम देते हैं, चाहे वो फल का हो, सब्जी का हो, फूल का हो या मेडिसिनल प्लांट हो। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है, इसका लाभ किसानों को दिखाई दे रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। मनोहर सरकार का प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी, फलों फूलों और फ्रूटों की खेती की तरफ बढ़ाया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से भी जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को अब जागरूक किया जाता है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार के प्रयास जारी। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते ही किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान भी आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार को पूरे तरीके से सक्षम बना रहा है, अपना जीवन यापन करने का तरीका आधुनिक बना रहा है और साथ ही मनोहर सरकार के प्रयासों की बदौलत ही किसानों की फसलों की पैदावार डबल हो गई और कमाई डबल हो रही है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, ऐसे किसान अब नुकसान के डर से भी भयमुक्त हो चुका है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का मिल रहा है और साथ ही सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने, तरक्की करे। किसानों को अब नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ अपनी सफलता के कदम भी बढ़ा रहे हैं। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान की तरह साबित हो रही है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।